दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत के खिलाफ दी दिल दहला देने वाली प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को लेकर पाकिस्तानी दिग्गजों ने अगले मुकाबले के लिए भविष्यवाणी करते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने कौन से होश उड़ा देने वाले बयान भारत के खिलाफ अगले मुकाबले को लेकर जारी किए हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप 2022 काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जहां भारतीय टीम को 159 रनों का लक्ष्य मिला। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम काफी ज्यादा परेशान दिखाई दी। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 82 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई और दिवाली का गिफ्ट भारत को दे दिया। इसके अलावा दूसरी तरफ नीदरलैंड और बांग्लादेश का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को 144 रनों का लक्ष्य दिया और 135 रन पर नीदरलैंड की टीम को बांग्लादेश ने ऑल आउट कर दिया और बांग्लादेश की टीम मात्र 9 रन से इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन इसके बाद नीदरलैंड काफी ज्यादा निराश हो गई और अब नीदरलैंड का अगला मुकाबला भारत के खिलाफ 27 अक्टूबर को होगा और इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी दिग्गजों ने धमकी भरा बयान भविष्यवाणी के साथ दिया है। दोस्तों वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच बनाकर रखा। लेकिन अंतिम ओवर में गेंदबाजों की खुद की गलती के कारण पाकिस्तानी टीम के हार का सामना उनको करना पड़ा। अगर पाकिस्तानी टीम इस प्रकार की गलती नहीं करती तो भारत जरूर हारता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि भारतीय टीम की तैयारियां उस प्रकार की नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत सकती है। शायद अगले मुकाबले में भारत ये नहीं गलती दोहराएगी तो नीदरलैंड के खिलाफ भारत को हार जरूर मिलेगी। इसके अलावा इल्जमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही देखने को नहीं मिली थी, लेकिन पाकिस्तान की खुद की गलती के कारण पाकिस्तान हारा, परंतु अब भारतीय टीम अगले मुकाबले में जरूर हारेगी। तो वहीं उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि भारतीय टीम से ज्यादा शानदार तरीके से प्रदर्शन नीदरलैंड की टीम कर रही है और जिस अंदाज से उन्होंने क्वालिफायर राउंड में बेहतर प्रदर्शन किया है उसे देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम को काफी ज्यादा परेशानी का सामना जीत दर्ज करने के लिए करना पड़ेगा, ऐसे में भारत को काफी ज्यादा मुश्किल होगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को देखने को मिला था, लेकिन जिस अंदाज से दोनों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला वो प्रदर्शन शायद अब देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि क्वालिफायर राउंड में नीदरलैंड की टीम शानदार प्रदर्शन करके आई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि नीदरलैंड की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजी से काफी ज्यादा मजबूत है और ऐसे में भारतीय टीम को नीदरलैंड की मजबूत टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ सकता है और नीदरलैंड की टीम भारत को हराकर दुनिया की सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अगले मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।